हमारी बिग फैन है, बहुत ही ज्यादा हम भी आपके बिग फैन हैं। ये देखो गाइस, स्कूल में भी बिग फैन बहुत सिस्टम देखो गाइस, ये देखो गाइस, ये सारे मतलब सिस्टम हाथ मिलाओ गाइस, ये हमारे बिग फैन है सारे। देखो भाई लोग कहते हैं बीजेपी का झंडा भी हमारा बिग फैन है गाइस, देखो हमारे पीछे को लाइक करो, हमारे पीछे आ रहा है तो सपोर्ट करो गाइस। यहाँ पे गार्ड साहब भी आ रखी हैं, देखो ये है गार्ड मैडम, इनकी ड्यूटी लगी हुई है, चालान वाला काटे, बड़ा तगड़ा चालान काट रही है। कोतवाल दंगल पिक्चर की बबीता जैसी है, हां दंगल कभी आओ आप चंपावत। तो गुड मॉर्निंग आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो आपका भाई नीरज मेहर जस्ट फिर से नए ब्लॉग में आ चुका है। तो आज भाई फ्री हो गया है और अब बुबू भी ठीक हो चुके हैं, हम आ गए हैं घर, हमारा हो गया था डिस्चार्ज कल। तो आज का ब्लॉग की शुरुआत करते हैं सुबह 9 बजे से। आज मैं जा रहा हूँ, पहले स्कूल में जा रहा हूँ एक, उसके बाद फिर देखते हैं कहाँ कहाँ पहुँचते हैं, पता होता नहीं है कुछ, तो देखते हैं ब्लॉग क्या बनता है, कैसा होता है, क्या होता है, ठीक है। सो तो गाइस आपको एक बात बतानी थी, वो जीन्स मिल चुकी है जो खो रखी थी, तो दिखाते हैं पहले वो जीन्स जो खो रखी थी और कहाँ मिली है सब बताएंगे। जी वो जीन्स थी ये जो मिल चुकी है, देखो ये पहन दिया मैंने, आप बाजार के लिए पहन रहा हूँ। तो गाइस ये देखो, ये मिली मुझे ऐसी जगह मिली जहाँ मतलब क्या बताएं कि अब यार पुराने कपड़ों में डाल दिए यार, नई जीन्स बड़ी मुश्किल से मिली मुझे आज। मैंने सब कुछ जब कट्टे बट्टे सब खोले तो एक जगह बड़ी मुश्किल से निचोड़ नचाड़ के डाली थी, तो मिल चुकी है मेरी जीन्स। तो दिखाते हैं, ये देखो देख ही लिया आपने, ये देखो गाइस ठीक ठाक ही है जीन्स, देखो ये 1000 रुपये की जीन्स है। अब मिल चुकी है तो भाभी में भी केस हट चुका है, जो केस लगा हुआ था भाभी में वो पेस हमने अब पेशी हेसी सब बंद कर दिया है। दिखाते हैं आपको ये धोरी है क्या, डाड़पनियों कहीं डाड़पनियों भी खो ना जाए। क्यों भाभी आपने आपने हराया ना, ऐसी जगह डाल दिया मतलब ऐसी जगह निचोड़ ना चाड़क है जो कि देवर जी वहां तक पहुंचे ही ना, भयानक जगह से मिली ना, ऐसे लोग है बताओ। ये माया और भाभी में ना केस करना हो रहा है एक तगड़ा वाला, चुकी है दिल्ली को क्योंकि उसने सोचा कि अब थाने में रिपोर्ट होती है जींस वो होने की, तो वो तो भाग चुकी है दिल्ली। अब ये भाभी रही है, तो भाभी को भी केस से रफा दफा कर दिया हमने। अब दिखाते आपको बुबू, ठीक है। ये है हमारे सुबन सिंह जी, कैसे हो, तबीयत कैसी लग रही है आपकी, बढ़िया है, आराम है, स्वस्थ हो, मस्त हो, मजा आ रहा है। तो गाइस बुबू आज हमारे फिर से हमारे घर ही आए क्योंकि हमने नहीं पहुंचाया इनको जहां इनका घर है, क्योंकि अभी हमने सोमवार को इनको फिर इनका ट्रीटमेंट कराना है थोड़ा बहुत। तो ठीक है बुबू आज हम जाते हैं ब्लॉगिंग के लिए कहीं, ठीक है, मिलते हैं रात को, हाथ मिलाओ तुम, ठीक है, ओके, डन डन डन, ठीक है। हम जा रहे हैं MBS स्कूल क्योंकि वहाँ पे हमारा भाई का एडमिशन कराया गया है, मामा के लड़के का, तो उसकी कुछ डॉक्यूमेंट रह गए थे रहना। तो अब मैं यार वही कहाँ कहाँ भागो ना, यहाँ भागो वहाँ भागो हो जाती है। अब कल अस्पताल से आया, अब आज जा रहा हूँ स्कूल, तो उसका काम करके आते फिर मिलते हैं आपको मार्केट में, ठीक है गाइस। गाइस ये है मुड़ियानी और वहाँ पे है मुड़ियानी का स्कूल, वो देखो गाइस वहाँ पे स्कूल है, वहीं पे मैंने मतलब अपनी 8वीं और 10वीं क्लास पूरी करी है, यहाँ पे 10वीं। बट यार आज पुराने दिन याद आ गए, इस रास्ते से स्कूल जाते थे, आज किसी का एडमिशन कराने जा रहे हैं वो उस एज में पहुँच चुके हैं, तो पहले हम भी यहीं से स्कूल जाते थे या वो वाले रास्ते से या ये वाले रास्ते से। तो आज काफ़ी याद आ रही है मतलब स्कूल टाइम की, क्योंकि यार आज इतने बड़े हो गए कि हम अब स्कूल आज बच्चों का एडमिशन कराने जा रहे हैं। साल पहले इसी रास्ते से हम स्कूल आए थे, आज हम इसी रास्ते से अपने छोटे भाइयों का एडमिशन कराने जा रहे हैं, उस एज में पहुँच चुके हैं। तो मतलब पुरानी याद आज ताज़ा हुई क्योंकि इधर से हम जाते थे तो याद आ रहा है बहुत कुछ। जब मैं स्कूल पढ़ता था ये पुल नहीं था, मतलब जब मैं शुरू में पढ़ता था मतलब यहाँ पे पुल नहीं था, मैंने भी इसी स्कूल में पढ़ा था मतलब वन क्लास NC और KG। तो गाइस यार इधर से ये नदी होती थी, हम इस नदी को पार करके जाते थे, बट अभी तो ये बहुत छोटी हो गई है, पानी का स्तर इतना घट गया है देखो, बट ये बहुत बड़ी हुआ करती थी, हमें बहुत डर लगता था इधर से। फिर जब बाद में तो ये पुल बन चुका था, बट ये वाली जो नदी थी बहुत बड़ी थी, अब सूख चुकी है पूरी, देखो इसे बोलते हैं गंडक नदी, देखो गाइस ये गंडक नदी है ये, और ये देखो ये बहुत मतलब अब तो बहुत छोटी हो गई है, पहले बहुत ज़्यादा बड़ी थी, बहुत ज़्यादा, अब इसमें पानी नहीं रह गया है। तो पानी मतलब यार हमारे लिए ये चिंता का विषय है कि हमारे क्षेत्र में भी ऐसे पानी की इतनी मतलब कमी हो रही है, देखो तो अब और जगह क्या हो रही होगी, इसमें बहुत सारा पानी था गाइस। गाइस ये अमन सिंह देखो 3 दिन सवारी बिना हेलमेट के गाइस, हम पहुँच चुके हैं रोड में, देखो गाइस। तो हम जा रहे हैं अब स्कूल में, जाते हो आते हैं, ठीक है। MBS स्कूल गाइस आप बताओ किस किस ने यहाँ पढ़ा है, गाइस बताइए किस किस ने पढ़ा है इस स्कूल में। तो यहाँ पे हो रही है प्रार्थना, देखो बहुत तगड़ी। तो दिखाओ गाइस जिसने भी पढ़ा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है इस स्कूल में। मैडम देखो यहाँ के स्कूल में मैडम है ये, देखो महिमा मैडम। तो देखो बहुत सारे बच्चे हैं यहाँ पे, अब जाते देखते हैं, सारे बिग फैन हैं गाइस सारे, मतलब खतरनाक ही रौला हो जाएगा गाइस, लाइन भी टूट चुकी है और यहाँ मैडम भी बहुत फैन है हमारी।
अरे हमारे फैन है देखो ये, बहुत सारे देखो स्कूल में, बहुत ज़्यादा मतलब सारे फैन, मतलब बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। मैडम कह रही है इधर उधर मत देखो, यहीं देखो, फोकस हम पे करो, बट बच्चों का मन यहाँ चंचल हो रहा जा रहा है यहाँ को देखने में। गाय बच्चे तो बहुत है यहाँ पे। हेलो सर, बिग फैन गुरु, बिग फैन है ये देखो, हमारे बिग फैन देखो ये, बिग फैन देखो ये आते रहते हैं, बिग फैन देखो ना यार गाइस, हमारी बिग फैन है ये देखो गाइस, स्कूल में भी बिग फैन बहुत ज़्यादा है हमारे, और बच्चे भी देखते हैं बहुत ज़्यादा, मतलब मैंने बच्चे बहुत आगे तक ले जाना है अभी, लाइक करना चैनल को, सब्सक्राइब करना। ठीक है ठीक है, धन्यवाद जी धन्यवाद। हमारी बिग फैन देखो यहाँ पे पहुँची है, गुड गुड, आप तुम्हारा टीचर हूँ मैं आज से, ठीक है, मैं पढ़ाऊंगा संस्कृत। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम करुणाक ध्वजा, मंगलम करुणाकाक्ष, मंगलम मंगलो। देखो ये मैडम सारी बिग फैन है, देखो गाइस देखो यहाँ पे सब बिग फैन है, ये देखो एक और बिग फैन, तो दिखा दे बच्चों को, बच्चों की पढ़ाई सब तगड़ी हो रही है देखो ये। गाइस कैसे हो, सब ठीक ठाक? ये देखो गाइस सारे बिग फैन है यहाँ पे। टीचर है देखो ये भी टीचर है यहाँ पे, पढ़ाती बहुत ही अच्छी पढ़ाई होती है इस स्कूल में, तभी हमने भी यहीं भेजा अपने भैया को, ठीक है, तो आप लोग भी यहीं भेजो, और हमने भी यहीं पढ़ा है गाइस देखो ये, और यहाँ की मैडम भी है देखो ये, मतलब बहुत लोगों ने यहीं पढ़ा, हमारे यहाँ क्षेत्र में टॉप में चल रहा है स्कूल, टॉप में सिस्टम देखो गाइस, देखो गाइस ये सारे मतलब बच्चे हैं, हमने भी यहीं पढ़ा है पहले, ठीक है गाइस, हमने भी यहीं पढ़ा, तुम भी यहीं पढ़ो, बहुत आगे जाओगे। तो गाइस ये देखो हमारी बिग फैन, ये देखो, ओहो ये सिस्टम सिस्टम, हाथ मिलाओ गाइस, ये देखो सारे बिग फैन गाइस, ये देखो ना यार सभी, और ये हमारी बिग फैन, ओके ओके। क्लास में बैठ रहे बच्चे तो ये नहीं है कि मतलब मैं अभी प्रार्थना के वक्त आ गया था, मैंने कहा पहले ही मैडम लोगों के आने से पहले थोड़ा बच्चों के साथ मिलाऊं, क्योंकि वो बहुत सारे बिग फैन हैं, फिर कहते हैं आप मिले नहीं, हाथ नहीं मिलाया आपने, तो मैं मिल के आया गाइस, जमा कर दिया है, और यही स्कूल में बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, हर साल नवोदय में निकलते हैं यहाँ से बच्चे, और काफ़ी सारे इंडियन आर्मी में इसी स्कूल से हुए हैं, ठीक है गाइस, तो मतलब यहाँ भी अच्छी पढ़ाई होती है, मैंने तो कुछ पढ़ाई यहाँ से करी थी, कुछ प्राइमरी स्कूल से, दो स्कूल बदले थे मैंने, यहाँ भी पढ़ा है और प्राइमरी में भी पढ़ा है, ठीक है। और गाइस स्कूल बहुत बढ़िया है, ऐसी बात नहीं है, इस चार साल में अभी टॉप में बच्चे भी बहुत है, दिख ही रहा है आपको, एक छोटे से गांव में इतने सारे बच्चे एक स्कूल में हैं, तो मतलब स्कूल में पढ़ाई अच्छी होती है, इसीलिए लोगों ने भेजा होगा। तो मैंने भी मतलब कुछ क्लासें यहाँ पढ़ी हैं और कुछ प्राइमरी में पढ़ा हुआ है, तो मतलब दो स्कूल चेंज करे थे मैंने अपने, सभी चेंज करते हैं कभी कहीं होते रहता है चेंज, बट कह रहा हूँ, कहने का मतलब कि यहाँ से नवोदय में भी काफ़ी बच्चे निकलते हैं, तो मतलब आप लोग यहाँ अपने बच्चों का एडमिशन करा सकते हो। गुड्डू भाई भी पढ़ते हैं इधर पे, तो हम जब हम स्कूल पढ़ते थे इनकी दुकान से आइसक्रीम खाया करते थे, तो आज वो दिन कहाँ रहे अब आइसक्रीम वाले, क्यों अब आइसक्रीम ही नहीं खाते हैं, तो दिन भी नहीं रहे हम आइसक्रीम। यहाँ पे बहुत सारी दाल आलें मिलती है इनको, देखो जूस वूस वगैरह सब कुछ मिलता है यहाँ पे, और ये भाभी जी देखो, गुड्डू भाई की बीवी देखो ये, और ये छोटू बच्चा गुड्डू भाई का, और ये इनकी दुकान, और पहाड़ी चूक दिखाता हूँ कहाँ रखा है ये, है ना, तो गाइस ये है पहाड़ी चूक, नींबू का बना होता है, नींबू के रस का, और बाकी दाल हाल सारी मिलती है, भट्टे हट्टे बहुत बहुत सब मिलते हैं यहाँ पे, मिश्री हिसरी सब, जब टनक ये है जो दिल्ली वाली रोड है ना, वो वाली रोड में, टनकपुर वाली रोड में, ठीक है गाइस, बाजार को, ठीक है बाजार जाते हैं, अभी इधर से गाड़ी लेंगे हम, तो बाजार को जाते हैं, फिर मिलते हैं आपको बाजार में। वो बिग फैन मिल चुके हैं, कैसे हो वो बड़े पापा, सॉरी बड़े पापा हो गए बड़े, हाँ मैंने कार्ड भेजे हैं, हाँ हाँ वो मैंने कहा तेरा ब्लॉग भी बनेगा उसमें, ठीक है ठीक, कार्ड भी बांट देना, ठीक है ठीक है ठीक है, बांट दूंगा, ठीक हाँ, इतना काम तेरा है, ठीक है ठीक है, ईसा की शादी है ना, ठीक है ठीक है, आएंगे बिल्कुल शादी में आएंगे, बिल्कुल ओके बाय बाय, ओके बाय। शादी का सीजन आ चुका है, तो सबके काम, बीजेपी का झंडा भी हम लोग चलाएगा अपना भाई, सिस्टम है, हैंग करेंगे, हम तो गाइस पैदल ही जाते हैं, वही जीन्स है जो खुरक की थी, और ये कमीज वही है जो अच्छी लग रही थी, अभी भी अच्छी लग रही है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। हम गए थे सौरभ भाई की दुकान में, तो सौरभ भाई यहाँ है नहीं, हमें मेरे अपने लल्लू भाई, ठीक है लल्लू भाई आपसे मुलाकात कर लेते हैं, क्यों हमें, और बताइए यार कुछ तारीफ भी करो यार, यार स्मार्ट लग रहे हो एकदम ना यार, ये बाल वाल देखो, हाथ तो लगा नहीं, हाथ मत लगाओ यार, हाथ बड़ी मुश्किल से बने हैं गाइस, क्योंकि कई दिनों बाद स्मार्ट लग रहा होगी नहीं गाइस,
और ये बिगाड़ रहा बात तो गाइस, लड़की ढूंढ दो वाले भाभी, इसको शादी कर दो टाइम पे ना। भाभी आ जाएगी, भाभी तुम्हारी आएगी, मेरी तो बीवी आएगी गाइस, तुम्हारी तो भाभी। फिर रोहित भाई के साथ घर, क्योंकि हमें रोहित भाई मिल गए थे और रोहित भाई हमारे एक से लेके कॉलेज तक के पार्टनर है। मतलब पहुंच गए हम और ये हमारे रोमन भाई, देखो रोमन भाई ने छोड़ा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ये हमारे क्लासमेट है, एक से लेकर कॉलेज तक साथ पढ़ा, मतलब कैसी यारी होगी तुम्हें पता ही है। और ये अंजू हुआ गाइस, देखो भाई हमारे साथ आई, चले फिर हाँ रोहित भाई, बाय बाय गाइस, मिलते हैं फिर। और अंजू कैसा रहा फिर स्कूल में? बाप कसम खा, तो मजा आया कहीं नहीं बहुत। ये देखो आई है हमारी यहाँ की गुंडा गैंग, पहुंच चुकी है, आगे हो सभी पास हो गए हो तभी। हाँ बहुत बिगाए, मार पड़ गया है यहाँ पे जिसने होली में ज्यादा बिगाया। ओहो ये देखो ये, और ये देखो ये सब बिग फैन है सर। फाइनली मैं घर पहुंच चुका हूं, तो आज का व्लॉग यहीं समाप्त करते हैं। और MBS के स्कूल के बच्चों के साथ बहुत ही अच्छा लगा और मैडमों के साथ भी बहुत ही अच्छा लगा मिलके। और गाइस जो भी है मतलब वो स्कूल बहुत ही अच्छा है, वहाँ पे मतलब पढ़ाई बहुत अच्छी थी, वहाँ के काफ़ी बच्चे नवोदय स्कूल में भी आते हैं, तो मतलब ये जो आसपास के 4-5 गाँव हैं तो वहाँ भी ये स्कूल टॉप में है। तो मैंने तो वहाँ भी पढ़ाया बट प्राइमरी में पढ़ाया, मतलब इसको शिक्षा सब जगह अच्छी मिलती है, तो वहाँ थोड़ा आजकल इंग्लिश का ज़माना ज़्यादा हो गया, तो वहाँ पे इंग्लिश भी ठीक, मतलब इंग्लिश मीडियम भी है वो, तो आप लोग वहाँ अपना बच्चों का एडमिशन करा सकते हो। तो गाइस फिर इसी के साथ आज का ब्लॉग समाप्त करते, बताइए कैसा लगा आज का ब्लॉग, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, ठीक है गाइस, बाय बाय गाइस।